देख रहे हैं सिटी मैम न्यूज में, वो आपके साथ प्रीति चंद्रा। क्यों मनाई जाती है गोवर्धन पर्वत की पूजा, चलिए जानते हैं। आज देश भर में गोवर्धन पूजा की जा रही है। इस दिन को अंकुट के नाम से भी जाना जाता है। चलिए जानते हैं इस दिन के पीछे छिपी पौराणिक कथा और इसके महत्व के बारे में। पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रजवासियों को भगवान श्री कृष्ण ने देवराज इंद्र की पूजा करते देखा था। यह देख उनके मन में इसके बारे में जानने की इच्छा उत्पन्न हुई। तभी उन्होंने देखा कि उनकी माँ भी इंद्र की पूजा कर रही थी। उन्होंने इसका कारण जानना चाहा। तब उन्हें ये बताया गया कि जब इंद्र बारिश करते हैं तभी हमारे खेतों में अन्न उत्पन्न होता है, हमारी गायों को चारा भी मिलता है। ये सुन इंद्र ने कहा कि हमारी गायें तो गोवर्धन पर्वत पर रहती हैं, तो हमें गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। जब ब्रजवासियों ने ये सुना तो उन्होंने गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी शुरू कर दी। ये देख इंद्र को गुस्सा आ गया और उन्होंने मूसलाधार बारिश शुरू कर दी। तब श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों की जान बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठ उंगली पर उठाया और सभी ने उस पर्वत के नीचे शरण ली। इससे सभी की जान बच गई। फिर इंद्र को पता चला कि श्री कृष्ण विष्णु जी के अवतार हैं। तब उन्होंने श्री कृष्ण भगवान जी से माफी भी मांगी। इसके बाद श्री कृष्ण ने गोवर्धन पूजा के लिए कहा और इसे अंकुट पर्व के रूप में मनाया जाने लगा। गोवर्धन पूजा करने का क्या महत्व है, ये जानना भी जरूरी है, तो चलिए जानते हैं। इस दिन गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा लगाने की भी मान्यता है। कहा जाता है कि इस दिन गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा लगाने से व्यक्ति को इच्छा अनुसार फल प्राप्त होता है। हिंदू धर्म में ये माना जाता है कि अगर कोई चारों धाम की यात्रा नहीं कर पा रहा है तो उसे गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा जरूर करनी चाहिए। कहा जाता है कि गोवर्धन पूजा के दिन अगर गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा की जाए तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। वैसे तो पूरे देश भर में गोवर्धन पूजा को बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, लेकिन जनपद सहारनपुर में गोवर्धन पूजा को कैसे मनाया गया देखिए। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अपने विचार हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और हाँ, वीडियो अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।